नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी। और आज फिर एक ताज़ा खबर के साथ मैं आई हूं आपके बीच। अमेरिका में महामारी ने छीनी है लोगों की आजीविका। मुफ्त राशन लेने के लिए गाड़ियों से लोग पहुंच रहे हैं। कोरोना वायरस ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ज़बरदस्त धक्का पहुँचाया है। वहाँ गरीबी का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जब कनेक्टिकट में मुफ्त राशन का ऐलान हुआ तो बड़ी संख्या में लोग गाड़ियों से पहुँच गए। फूड बैंक के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लग जाने से जाम की स्थिति पैदा हो गई। अमेरिका में कोरोना वायरस संकट के कारण बेरोजगार हुए लोगों को भूखमरी की समस्या पैदा हो गई है। ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए फूड बैंक में मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है। कनेक्टिकट में फूड बैंक के ऐलान के बाद अलग ही नज़ारा देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग अपनी कार के जरिए राशन लेने पहुंचे। उन्होंने अपनी कार का दरवाजा खोलकर अंदर खाने पीने का सामान रखा। आयोजन बिना कोई सवाल पूछे ब्रेड, आलू, प्याज, सेब गाड़ियों के ट्रंक में डाल दे गए। मुफ्त राशन लेने के लिए आए लोगों को अपनी गाड़ियों में ही रहना पड़ा। फूड बैंक के आयोजनों का कहना है कि ऐसे कठिन समय में कोई भूखा ना रह जाए, यही उनका प्रयास है। खाद्य संकट में फंसे लोगों को फूड बैंक डोनेशन की मदद से राशन बांट रहा है। राशन पर फूड बैंक को एक सप्ताह में $1,00,000 खर्च करना पड़ेगा। प्रतिदिन 1400 से 1800 कारों में आने वाले लोग मुफ्त राशन ले जा रहे हैं। फूड बैंक का कहना है कि मुफ्त राशन की मांग अपेक्षा ज़्यादा बढ़ गई है। एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि राशन ले जाने वाले 70% लोग की ऐसी स्थिति का सामना पहले नहीं करना पड़ा था। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 4 से 5 सप्ताह पहले बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए, जिसके बाद लोगों की आजीविका का साधन बंद हो गया। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़ और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।